अब आते हैं हम लोग प्रश्न वाली टू का टाइप टू। प्रश्न वाली टू से टाइप टू में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के शून्यांक है, क्या है ये चारों में से कोई एक है। तो हम लोगों को पता करना है कि ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यांक क्या है। बनाने के दो मेथड है। पहले आप लोग स्कूल में सिखाया होगा, जो बच्चा लोग ठीक से सीखे नहीं है वो बच्चा लोग देख लीजिए, लॉन्ग मेथड ही पहले सिखा रहा हूँ, फिर इसका लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा। जिसे नहीं आता है बनाने ये मेथड से, जिस स्कूल में सिखाया गया इसका एक सॉल्यूशन है, वो सब थक जाएंगे। पहले लॉन्ग मेथड देखिए। लॉन्ग मेथड में हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट को पहले लेते हैं। पहला स्टेप ये माइनस एट को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस आठ एक्स स्क्वायर। अब ये आठ का हम लोग एलसीएम लेते हैं, दो चौका दो दूना दो एका, मतलब दो टू इंटू टू इंटू टू हम लोग का एलसीएम आया। अब देखेंगे इसको ना हम लोग को सिखाया गया है, सबसे पहला वाला को लिखिए, देखिएगा ये मदद करेगा। अब जैसे ही हम लोग एलसीएम लिए, अब एलसीएम में ही दो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको प्लस करे या माइनस करे कितना आ जाए, माइनस टू एक्स आ जाए। याद कीजिएगा माइनस एट को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आता है उस संख्या में से ही हमें दो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसे प्लस करे या माइनस करे, तो क्या आए, माइनस टू एक्स आए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एलसीएम में ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो चार, और ये कितना दो। तो इस चार में दो को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स। ओके, तो देखिए माइनस टू एक्स को कैसा लिख रहे हैं, माइनस टू एक्स को पहले लिखेंगे माइनस फोर एक्स, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस टू एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये टू एक्स को ही हम माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स लिख रहे, माइनस फोर एक्स में प्लस टू एक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स। तो टू एक्स को लिखने के तरीका ये है, बच्चा लोग यहीं पर ज़्यादा फंसता है और अभी भी बहुत उनको हार्ड लगता है, लेकिन उतना हार्ड है नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस एट ले लेते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए हम लोग को कॉमन लेना है ये दोनों में, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x कॉमन ले लिए बाहर ले लिए, तो हम लोग का बच गया x। अब यहाँ देखिएगा x तो बाहर निकल गया है तो बच गया है हमारा चार। अब ये दोनों में आते हैं, यहाँ जो साइन है लिखिए, आप देखिए यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, दो आप लोगों को नहीं दिखता है, तो देखिए दो गुना चार मतलब चार दूना आठ, दो तो है ना, तो दोनों में हम लोग दो कॉमन लिए, और जैसे ही दोनों से दो कॉमन लेते हैं यहाँ आ गया x और यहाँ दो बाहर निकल गया, तो हम लोग क्या बच गया, हमारा चार बच गया। आप ऐसा भी कह सकते थे दो चौका आठ। देखते हैं ब्रैकेट में क्या हमारा सेम सेम दिख रहा है, तो हम लोग को मैथ सही है। अब आप लोग कीजिए x प्लस टू जो ब्रैकेट का बाहर में है इसे एक बार लिखिए, और x माइनस फोर जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिखिए, और बराबर जीरो कर दीजिए। अब x प्लस टू इक्वल जीरो, इसको एक बार जीरो के, x माइनस फोर को भी जीरो के बराबर कर दीजिए। अब x बराबर माइनस टू, और यहाँ जाते हैं हम लोग फोर से चल गया तो प्लस, मतलब हम लोग का शून्यांक है माइनस टू फोर, कहीं ना कहीं ऑप्शन आप लोग का मैच करेगा माइनस टू फोर, देख रहे हैं। रियल में आप उसको लंबा मेथड से बनाइएगा तो यही है, तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव दे दिया है ना, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से और एक तरीका आता है। अगर आपको ऐसा बनाने आता है आप कोई भी मैथ को यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन जो बच्चा को ये तरीका नहीं आता है दूसरा तरीका देखिए, प्लस नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज कीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अभी नया तरीका बताने वाला। चलिए अब जाता हूँ नया तरीका में।
अब नया तरीका देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब नया तरीका क्या है कि पता करें कौन इसका आंसर है। जो बच्चा को फर्स्ट तरीका पता नहीं चला था, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका में फिर से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट लीजिए, ओके। अब एक्स ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन आप लोगों को पता है, अभी अभी बनाया था, तो आंसर ये है। हाँ आंसर ये है। तो अगर हम एक्स का जगह माइनस टू रखेंगे और एक्स का जगह फोर रखेंगे तो जीरो आएगा, जीरो आएगा मतलब यही आंसर है, और जीरो नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं है। मैं एक बार इसका मान डालूंगा, एक बार इसका मान डालूंगा, आप लोग देखिएगा इसमें जीरो आएगा और इसमें जीरो नहीं आएगा, चेक कर लीजिए पता चल जाएगा। जैसे देखिए एक्स का जगह क्या रख रहा हूँ, माइनस टू, ध्यान दीजिएगा माइनस टू का स्क्वायर टू, एक्स का जगह माइनस टू और क्या हो गया एट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फोर, इसको सॉल्व करते हैं प्लस फोर, इसको सॉल्व करते हैं एट, ध्यान दीजिए चार और चार एट माइनस एट कर गया जीरो। लेकिन इतना भी ही संतुष्ट ना रहिए, फोर को भी चेक कीजिए। फोर तो आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ में फोर रख के देखते हैं। फोर जैसे ही रखते हैं, फोर एक्स स्क्वायर टू इंटू फोर माइनस एट, चार चौका सोलह, दोनों का आप गुना कीजिए, माइनस चार दूना आठ और ये आठ, ये हो गया सोलह, माइनस माइनस करके आपका माइनस सोलह, दोनों फिर कट गया, आ गया जीरो। अगर हम ये दोनों वैल्यू को एक्स के जगह रखते हैं और आंसर में जीरो आता है तो हमारा आंसर यही होगा। आप लोग अभी मैं इसको रख के दिखाता हूँ, जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और इतना बड़ा भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, माइंड में ही आप लोग कर सकते हो। देखिएगा अब हम इतना डिटेल नहीं जा रहे, थोड़ा सा शॉर्ट जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना कौन बना के टाइम पास करता है, थोड़ा सा शॉर्ट जाएंगे, मन में ही कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा यहाँ जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर से मैं मिटा रहा हूँ और एक मैं यहाँ पर से मिटा रहा हूँ, ओके। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए ये रख रहा हूँ, एक्स का जगह माइनस टू, तो माइनस टू को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर, ओके। अब आता हूँ माइनस टू, यहाँ पर भी माइनस टू, माइनस टू माइनस टू होके प्लस फोर, फिर यहाँ पर माइनस एट, तो माइनस टू यहाँ माइनस टू ऑलरेडी आप लोगों को पता था, ये हमारा क्या चीज जीरो आई गई। पर देखिए एक ही बार मैंने रखा, अब यहाँ पर आते हैं ये रखते हैं, ये भी जीरो आना चाहिए, तो ही अब रखते हैं एक्स स्क्वायर का जगह माइनस चार, तो माइनस चार का होल स्क्वायर एक ही बार में कर दीजिए, कितना आ गया सोलह, फिर माइनस दिख रहा है टू एक्स, एक्स का जगह माइनस चार, तो माइनस माइनस प्लस चार दूना आठ, आठ। अब यहाँ पर कौन है माइनस आठ, अब ध्यान दीजिएगा माइनस आठ प्लस आठ कट गया और यहाँ क्या बच गया सोलह, मतलब जैसी ही संख्या बचा ये आंसर नहीं है, है ना। क्या आना चाहिए था यहाँ, जीरो आना चाहिए था। इसी प्रकार से यहाँ भी आप कीजिएगा तो जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ संख्या आएगा, इसी भी रख के देखिएगा तो जीरो नहीं कुछ ना कुछ संख्या आएगा। अगर जो बच्चा पहला मेथड नहीं जानता है तो इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हाँ गारंटी इस बात की है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हो। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को बुक, क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन लॉन्ग मेथड में मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट मेथड ये जो चेक करने का मेथड है, आई होप कि आप लोग बना लीजिएगा। सिर्फ मान रखिए, देखिए एक्स का मान रखिए समीकरण में जीरो आता है, फिर बगल वाला का मान रखिए जीरो आता है, जीरो आता है तो वही आप लोगों का क्या होगा आंसर। अब उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के शून्यांक है, शून्यांक क्या होगा। सबसे पहले लॉन्ग मेथड अच्छा है, चलो आप लोग सीखिएगा तो
थोड़ा लॉन्ग मेथड भी बताते हैं, जिसको जिसको नहीं आता प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड भी ट्राई करेंगे। चलिए लॉन्ग मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो सबसे पहले टू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, टू एक्स स्क्वायर होगा। जो संख्या आता है उसका एलसीएम लीजिए, टू वन या टू मतलब दो गुना एक आ जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कॉपी किए, वो दो संख्या पता कीजिए जिसको जोड़ने या घटाने से थ्री एक्स आ जाए। लेकिन किससे पता करना है, जो एलसीएम लेके जो संख्या आया उसी से करना है। तो हमारा क्या हो जा रहा है, दो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स। तो हम सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ भी बड़ा संख्या पहले लीजिएगा, छोटा वाला नहीं, और यहाँ पर जो साइन है वो साइन को पहले उतारिएगा। तो पहले हम लोग लिखे 2x, उसके बाद क्या लिखे 1x, तो सिर्फ x लिखिए ना, तो 2x प्लस 1x हमारा हो जाएगा 3x। बगल में क्या दिख रहा है, 2। अब कॉमन लेने के समय देखिए, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में x x, तो चलिए x बाहर निकलिए, यहाँ बच गया 1x और यहाँ x बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब आते हैं यहाँ, यहाँ पर जो साइन है ये लिखिए। अब यहाँ x है, यहाँ 2 है, कॉमन कहीं दिख ही नहीं रहा, तो जब भी आप लोगों को कॉमन ना दिखे यहाँ पर 1 लिख दीजिए, और ये जो दिख रहा है इसको प्यार से आप लोग क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। देखिए दोनों मैच किया, जैसे ही मैच किया हम लोग सही डायरेक्शन में है। अब ब्रेकेट का बाहर क्या दिख रहा है, x प्लस 1 बराबर 0, और ब्रेकेट का अंदर क्या है, x प्लस 2, इसको भी 0 के बराबर कीजिए। 1 को वो सेट कीजिए माइनस 1, अब 2 को भी सेट कर दीजिए माइनस 2, तो शून्यांक हमारा माइनस 1 कोमा माइनस 2। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसी को हम लोग चेक करने वाला मेथड में जाते हैं, चेक करके देखते हैं सही क्या आता है। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे हम लोग बनाते हैं शॉर्ट मेथड या चेक करने वाला मेथड में। सबसे पहला ऑप्शन ध्यान दीजिए, एक्स दिया हुआ है हमारा 3, ये दिया हुआ है हमारा 2, जल्दी से चेक करना है। यहाँ पर 3 रखते हैं, ओके तो 3 रखते हैं तो 3 दिया 9, फिर 3 रखते हैं तो 3 दिया 9, फिर क्या है यहाँ पर 2 है, 9 9 18 और 2 20 बनवे नहीं करेगा भाई, आगे चेक करना ही नहीं है, बनेगा नहीं है ना, तो इसको हटाइए, डायरेक्ट चेक करवा रहे, ये क्वेश्चन ही मिटा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, चलिए यहाँ आते माइनस 1, माइनस 1 को 2 टाइम करेंगे तो 1, फिर माइनस 1 यहाँ भी है, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3, अब ये 2 क्या आ जा रहा है, सॉरी प्लस 2, प्लस 2 1 3 माइनस 3 दोनों कट के 0 आ गया। अब क्या रख के देखना है, माइनस 2, माइनस 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 प्लस 3x, अब x का जगह फिर माइनस 2 रखते हैं तो माइनस प्लस माइनस, फिर 3 दूना 6, ये x का जगह 2 को रख रहे, प्लस प्लस हमारा क्या है 2 है, आप लोग देखिए 4 और 2 6 माइनस 6 बहुत ही देर कैंसिल, आंसर 0, मतलब आंसर यही। जब भी 0 आ जाए वही आंसर होता है, आप लोग इसी प्रकार से हर एक का मान रख रख के देखिए। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग को आइडिया आते जा रहा है क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। यहाँ भी मैं टाइप 2 को समाप्त करता हूँ, अब हम लोग जाते हैं टाइप 3 में।